हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने काफ़ी प्रश्न पूछा है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेके। आज इस वीडियो में हम आप सभी के ट्वेल्थ अपग्रेडेशन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इसके फॉर्म्स को भर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के साथ, और कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें ये देना ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं दीजिएगा तो आपका D.El.Ed का जो सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये फॉर्म किसे भरना है। जो जनरल कैटेगरी है, अगर आपका 50% मार्क्स है या 50% से ज़्यादा है, आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। 50% से ज़्यादा मार्क्स क्लास ट्वेल्थ में होना चाहिए या 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और OBC, SC और ST कैटेगरी जो हमारे टीचर्स हैं, आप सभी के लिए 5% की छूट है। आपको 45% मार्क्स या 45% से ज़्यादा लाने होंगे तभी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इनसे कम है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस फॉर्म को पहले भर दिया है और उनके एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। जिन्होंने नहीं भरा है या जिन्हें अब तक कन्फ्यूज़न है कि इसे कैसे भरना है, इस पूरे वीडियो में आप देखें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अपने वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, dled.nios.ac.in। यहाँ पे आप सभी टीचर सेक्शन में जाएं। टीचर सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर इन सीनियर सेकेंडरी कोर्स। रजिस्टर करने से पहले इस पूरे एलिजिबिलिटी को एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने NIOS की पोर्टल ओपन हो जाएगी। आप सभी को ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए फिल करना है। चार स्ट्रीम में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आपको स्ट्रीम 4 में फॉर्म्स को फिल करना है। फॉर्म्स भरने से पहले एक चीज़ आप समझ लें, किसी भी साइबर कैफ़े किसी भी एजेंसी को ये अधिकार नहीं है कि ये आपका फॉर्म भरे। आप अपने फॉर्म्स को खुद ही भर सकते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से या अपने फ़ोन के माध्यम से। अदरवाइज़ आपको अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि गवर्नमेंट की सेंटर होती है, आप यहाँ से भी भर लें। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स को भरते हैं तो कोई भी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए आपको पैसा नहीं देना है। कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आपके घर तक आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। अगर कोई स्टडी मटेरियल आपके पास आता है और वो आपसे पैसे मांगेंगे इम्प्रूवमेंट के, तो आपको पैसे नहीं देने हैं। किसी भी VPP पार्सल को आपको किसी से नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीम 4 को लेके। यहाँ पे आप सभी स्ट्रीम 4 पे जाके क्लिक करेंगे। स्ट्रीम 4 पे क्लिक करने के बाद आप सभी को देना है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देखें ये ओपन है, यानी एडमिशन इसमें ओपन है। और एक और चीज़ आप समझ लें, पहले ये पोर्टल जो था ये ओल्ड फैशन में था, अब इसे अपडेट कर दिया गया है, इसीलिए कई शिक्षकों को परेशानी हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पे आपको जाके क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर में आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है और कैसे प्रोसीड करना है। एक बार जो भी फॉर्म्स भर रहे हैं एक पूरे प्रोसेस को देख लेंगे। रजिस्टर करना है आपको मोबाइल से, फिर बेसिक डिटेल्स आपको भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना है, एग्जामिनेशन की सेंटर सेलेक्ट करनी है, अपने सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना है जिसमें आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, और बाकी के सारे इसमें जो फी पेमेंट और डेट्स के जो डिटेल्स हैं वो दिए गए हैं। आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ से प्रोसीड करने के बाद सबसे पहला जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपसे आपका स्टेट पूछेगा, फॉर एग्जांपल बिहार। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी टाइप पूछेगा, यानी आप कौन से आइडेंटिटी अपने देने चाहेंगे। तो सबसे अच्छा है आधार नंबर आप डाल दें, सो आधार की आइडेंटिटी। किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, सीनियर सेकेंडरी के लिए। यहाँ पे एक बॉक्स है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग NIOS लर्नर, क्या आपने अपना प्लस ट्वेल्थ NIOS से किया था। अगर नहीं किया है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप NIOS के स्टूडेंट हैं और फेल कर गए हैं प्लस ट्वेल्थ में, यानी प्लस टू में, तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर येस पे क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर मांगेगा, जो कि आपको NIOS का देना होगा। जबकि अगर आपने CBSE, BTC, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, किसी भी दूसरे बोर्ड से अगर एग्जामिनेशन दिया है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर मांगेगा और आपका नेम मांगेगा। इसे डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। अब इसके बाद पूरी प्रोसेस अब हम PDF में देखेंगे कि PDF में ये पूरी प्रोसेस कैसे है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी मिल जाएगी जहाँ से आप इस पूरे प्रोसेस को देख लेंगे। तो आधार नंबर और नेम डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपसे 5 स्टेप में ये फॉर्म्स फिल करने को कहेगा। पहला बेसिक डिटेल्स, दूसरा ऑप्शनल डिटेल्स, तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, चौथा एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहेंगे उसे सेलेक्ट करना, और पांचवा रिव्यू है।
तो यहाँ पे आप अपने नेम को डालें, फादर्स नेम को डालें, मदर्स नेम को डालें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें। इन सभी को डालने के बाद नीचे आपको एक सबमिट की बटन दिखेगी। सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा। मेल में आपको एक ईमेल की ओटीपी आएगी, जैसे कि एसएमएस ओटीपी आती है, आपको ये ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपको मोबाइल पे ओटीपी फिल करना होगा। आप जहाँ चाहें वहाँ ओटीपी ले सकते हैं। और फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको तीन और इन्फॉर्मेशंस भरने हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस, यानी आप कहाँ रहते हैं उसके बारे में, आपको अपने मोहल्ले का नाम, अपने वार्ड का नाम या जहाँ पे भी आप रहते हैं वो भरना होगा। फिर अदर इन्फॉर्मेशंस में आप किस कैटेगरी से आते हैं, ये सारे कैटेगरीज भरने होंगे। आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा कास्ट का। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अपने कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे स्कैंड डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा। फिर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यानी अगर आप विकलांग हैं, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अदर इन्फॉर्मेशंस में। यहाँ पे फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना है यहाँ पे। फिर टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आपने किस साल अपना टेंथ पास किया था, आपका रोल नंबर क्या था, कौन से बोर्ड से आपने पास किया था, आपको ये यहाँ पे डालना होगा। फिर टेंथ के सर्टिफिकेट की स्कैंड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन सभी को भरने के बाद आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करना है। सब्जेक्ट्स चूज़ करने वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में अपना एग्जामिनेशन दिया था ट्वेल्थ का, उन सभी सब्जेक्ट्स को भर देना है। किस किस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आपको डाल देना होगा। सब्जेक्ट्स को फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, यानी आप एग्ज़ाम्स कहाँ देना चाहेंगे, किस राज्य में कहाँ पे आप देना चाहेंगे, तो कंट्री में इंडिया, जिस राज्य में आप देना चाहते हैं राज्य सेलेक्ट करें, जिस डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर के ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन ओपन होगा और एक बड़ा सा टेबल फॉर्मेट ओपन होगा जिसमें हर महीने की तारीख आपको दी रहेगी। वहाँ पे आप जाके जिस भी दिन एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपकी एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हो जाएगी। वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि सीट अभी है या नहीं, अगर सीट होंगे तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर महीने हर दिन होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे अपने सीट को भी चेक कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम को आपको किस दिन देना है। तो यही है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ये सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने पूरा पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपका पेमेंट हो गया। उसके बाद आप सभी के सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आप जाके अपने एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस में जाने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे आप रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू में आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा। जब आप इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा एग्जामिनेशन के लिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो भी आपका मटेरियल्स है उस मटेरियल्स को क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन क्लिक फॉर द स्टेटस ऑफ द एडमिशन एंड डिस्पैच स्टेटस ऑफ स्टडी मटेरियल 2017-18 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। इसी तरह से आपको वहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। आप अपने वेबसाइट पे भी स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं और अपने एड्रेस पे भी आपको कुछ पार्सल्स भेजे जाएंगे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये है पूरी की पूरी अपडेट, पूरा का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और एक और चीज़, अगर आपने पहले कभी भी फॉर्म्स को भरा नहीं है लैपटॉप से, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके या किसी भी सीएससी सेंटर में जाके इस फॉर्म्स को आप भरा सकते हैं। अपने से भरने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी स्कैंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप अपने फ़ोन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ना किसी कैफ़े में जाना होगा। किसी कैफ़े में जाएँ या किसी साइबर कैफे या किसी आप सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर में आप जाएं और वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ याद जरूर रखेंगे, अगर 31 मार्च 2019 तक
यहाँ पे आप समझ लें 31 मार्च 2019 तक अगर आपका 12th का डिग्री क्लियर नहीं होगा, 12th डिग्री अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपकी जो डिग्री है डिप्लोमा की वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। कोई भी कन्फ्यूज़न हो नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।